वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ माई सोलर पैनल गाइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने घर के सोलर पैनल से बिजली को कैसे बेच सकते हैं, इसके लिए नेप्रा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और पाकिस्तान में फाइलों के पेट कैसे भरे जाते हैं, और हमारे कौमी इदारे क्यों नहीं चाहते कि आप सोलर पैनल लगाएं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट मीटरिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ विद एनिमेशन एंड एवरीथिंग। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हुआ तो डेफिनेटली उसको पहले देख लें ताकि फिर आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। अगर आपको ऑलरेडी अवेयरनेस है कि ये तीन डिफरेंट किस्म के सोलर सिस्टम्स क्या होते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि नेट मीटरिंग क्या होती है। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग की बुनियाद 2006 में डाली गई थी, जब रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2006 शाया हुई थी। इस पॉलिसी के 5 साल बाद नेप्रा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था, और इस फर्स्ट ड्राफ्ट के 4 साल बाद 2015 में फाइनली जो है जो नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस थी वो फाइनल हो गई थी और सब पब्लिक के साथ शेयर हो गई थी। नेट मीटरिंग के हवाले से नेप्रा की बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं, मगर इस वीडियो में हम वही रेगुलेशंस डिस्कस करेंगे जिससे एक एंड यूज़र का गरज होता है। ज़्यादातर जो रेगुलेशंस है वो सोलर कंपनीज़ का सर दर्द है, तो उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जिसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नेट मीटरिंग लगानी है तो सबसे पहली चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो ये कि जो आपका सोलर सिस्टम लगेगा वो एक AEDB अप्रूव्ड कंपनी से लगा होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि AEDB अप्रूव्ड कंपनी कौन सी हैं और कहाँ मिलेंगी, तो इसका भी बहुत ही आसान हल है। उनकी वेबसाइट है AEDB.org, वहाँ पे वो लिस्ट पब्लिश करते हैं AEDB अप्रूव्ड कंपनीज़ की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज अप्रूव्ड हैं और कौन सी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो सोलर सिस्टम है घर पे वो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन डाल दें और उसके बाद अप्रूवल के बाद सोलर सिस्टम लगाएं, या आप एप्लीकेशन डाल के साथ साथ सोलर सिस्टम भी लगा रहे हो। आपने पहले पूरा सिस्टम लगवाना है, फिर आपका नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन जाएगी। नेट मीटरिंग की तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो आपके सोलर पैनल्स हैं वो Tier 1 ग्रेड के होने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि Tier 1 क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा। Tier 1 बेसिकली एक रेटिंग सिस्टम है जो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी की इंटरनेशनली रेटिंग सिस्टम होता है, और ये इजीली आपको गूगल पे पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनीज जो है वो Tier 1 कैटेगरी में आती हैं। पाकिस्तान में जितने भी Tier 1 कैटेगरी के सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो रहे हैं वो सारे मेड इन चाइना हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि चाइना इज़ वन ऑफ़ द लीडर्स इन सोलर टेक्नोलॉजी। तो जो आप Tier 1 की लिस्ट देखेंगे उसमें ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो चाइना की हैं। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मशहूर कंपनीज़ हैं उनके मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ स्क्रीन पर, ताकि आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली लॉन्गी के पैनल्स लगाए हैं, और इसमें बहुत सारी यानी तकरीबन सारी एक ही जैसी हैं। Tier 1 कैटेगरी अगर आप ले रहे हैं, एनी कंपनी इज़ गुड। तो ये डेफिनेटली आप मेक श्योर कर लें जो आपने पैनल्स लगा रहे हैं वो Tier 1 कैटेगरी के हों। नेप्रा की चौथी रिक्वायरमेंट है कि आपका इन्वर्टर एंटी आईलैंडिंग होना चाहिए। आसान अल्फाज में आपके इन्वर्टर में ऐसा फीचर होना चाहिए कि अगर नेशनल ग्रिड से बिजली डिस्टर्ब्ड हो जाए तो आपका इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग को रोक दे। आजकल के सारे अच्छे इन्वर्टर्स जो नेट मीटरिंग के लिए बनाए गए होते हैं उन सब में ये फ़ीचर होता है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 5वीं रिक्वायरमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, इनको SPDs कहा जाता है। आपके सिस्टम में ऑल्टरनेटिंग करंट की SPDs लगना ज़रूरी हैं। ये SPDs नेशनल ग्रिड को प्रोटेक्ट करती हैं अगर आपके सोलर सिस्टम में कोई मसला आ जाए तो। इसके अलावा आपको ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों की अर्थिंग करानी होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम से ज़्यादा ना हो। जी सर, अभी क्या करने लगे? सर अभी ये रॉड इधर लगाएंगे, ये कॉपर रॉड के लिए इस्तेमाल होगा जी। ये इधर बारिश ज़्यादा होती है, नमी रहती है ना मुसलसल, इसलिए यहाँ पे बोरिंग और कुटैक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो जिधर ज़मीन बिल्कुल खुश्क होती है, बारिशें कम होती हैं, वहाँ पे अर्थिंग के लिए कुटैक डालनी पड़ती है, वरना इसकी वैल्यू नहीं आती। अर्थिंग
अर्थिंग के अलावा आपको एक लाइटनिंग अरेस्टर लगवाना होगा जो आसमानी बिजली से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइटनिंग अरेस्टर सबसे ऊंची जगह पे लगा हुआ हो, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर्स यूजली 5 फुट की हाइट में आते हैं। तो अक्सर औकात ये होता है कि सोलर इंस्टॉलर्स इसको कहीं पे भी लगा देते हैं, क्योंकि कस्टमर को भी नहीं पता होता, यूजली कस्टमर शायद निगरानी भी नहीं कर रहे होते। तो कार्रवाइयाँ पूरी करने के लिए, फाइलों के पेट भरने के लिए बस लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया जाता है। और इसकी जो असल इसका मकसद होता है वो ये होता है कि जब भी आसमानी बिजली गिरे तो सबसे ऊंची जो चीज़ होनी चाहिए आपके घर में, आपके सोलर स्ट्रक्चर में, वो लाइटनिंग अरेस्टर होना चाहिए। तो ताकि आसमानी बिजली जब गिरे तो सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर पे लगे, आपके सोलर स्ट्रक्चर पे ना लगे या आपके घर की छत पे ना लगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहे थे वो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे थे कि लाइटनिंग अरेस्टर सोलर स्ट्रक्चर से ऊंचा हो। अब क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर सिर्फ 5 फुट का था और कोई ऐसी दीवार नहीं थी जहाँ पे हम इस लाइटनिंग अरेस्टर को लगा सकें जिसकी वजह से ये सोलर स्ट्रक्चर से ऊपर हो, तो मुझे फिर अपने खर्चे पर सिविल वर्क कराना पड़ा ताकि इस लाइटनिंग अरेस्टर को थोड़ा ऊंचा किया जाए। इसकी वजह से बेशक मेरा ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मगर मैंने जो लाइटनिंग अरेस्टर जिस वजह से बनाया गया है, जिस वजह से लगाया जाता है, उसका अब असल मकसद जो है वो पूरा हो रहा है। तो मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि जो मैंने काम करवाया है वो सही तरह से करवाया है। इसके अलावा आपके इंस्टॉलर्स शायद इस बात का भी ख्याल नहीं रखेंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर का शेडो सोलर पैनल्स के ऊपर ना पड़े। इस वजह से मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप अपनी रिसर्च पूरी किया करें, और जब भी कॉन्ट्रैक्टर्स आपके घर पर आएँ तो आप उनके सर पर खड़े होकर काम कराएँ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये लाजमी होता है, वरना आपके काम ख़राब होते हैं। सोलर इंस्टॉलर्स आपको यूजली लारी लप्पे देंगे और यही कहेंगे कि आपके घर पे आसमानी बिजली नहीं गिरेगी, आपके अराउंड सेल टावर्स हैं तो इसकी लाइटनिंग अरेस्टर की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उसके जवाब में मैं यही कहता हूँ कि अगर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर ये लगाया क्यों जा रहा है। तो यूजली सिर्फ फाइलों के पेट भरने के लिए ये चीज़ें लगाई जाती हैं अगर ज़रूरत नहीं होती, और जब लगाई भी जाती हैं तो इनके सही प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी ये सारी इंस्टॉलेशन हो रही हो सोलर पैनल्स की, सोलर स्ट्रक्चर की और ये अर्थिंग वगैरह की, तो आप सर पे खड़े हों, ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम नेप्रा की आखिरी रिक्वायरमेंट जो डिस्कस करेंगे वो है एक डिस्कनेक्ट स्विच। डिस्कनेक्ट स्विच इसलिए लगाया जाता है कि अगर ग्रिड पर मेंटेनेंस का काम हो रहा हो तो आपके सोलर सिस्टम से आने वाली बिजली ग्रिड में ना आ पाए। अगर ये ना लगाया जाए तो मेंटेनेंस स्टाफ की जान को ख़तरा हो सकता है। तो हम अभी एक बहुत ही ख़ास चीज़ अनबॉक्स करने वाले हैं। इस चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे तकरीबन 1 साल लग गया है, और लेट मी शो यू कि क्या चीज़ है। रियली एक्साइटेड, हम ये अनबॉक्स करने लगे हैं हमारा ग्रीन मीटर। तो इंशाल्लाह ये आज रात हमें मिल गए और कल ये लगाएंगे आईएसको वाले, और फिर हमारी जो है हम बिजली बेचना शुरू कर देंगे वापडा को। तो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। पाकिस्तान में बिजली ग्रिड को प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मुझे 1 साल लगा है, कुछ लोगों को 3 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं, बट आई एम सो हैप्पी टू सी दिस इन माय हैंड्स, और इंशाल्लाह कल ये मेरे घर में लग जाएगा। सो फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब हम अपने सिस्टम को ऑफ ग्रिड सिस्टम से हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारा ग्रीन मीटर लग गया है। और फाइनली अब जो सिस्टम मैंने ओरिजिनली प्लान किया था अपने ख्वाबों में, अब वो फाइनली इज कमिंग टू रियलिटी आफ्टर 1 ईयर। तो अब हमें जो है इन्वर्टर की सेटिंग्स चेंज करनी है। ये अभी इस वक्त 12 बज रहे हैं, और यही टाइम था जब हम शुरू होता है और दिन का जो एंड होता है उसमें तो हम अपने सोलर सिस्टम की कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर रहे थे, मगर जो पीक टाइम होता था इसमें हमारी बहुत सारी जो बिजली थी वो ज़ाया हो रही थी।
अब हम ये बिजली भागदा को वापस बेचेंगे और हमारे बिल में और भी ज़्यादा कमी आएगी। तो अब हम इन्वर्टर्स की सेटिंग को चेंज करेंगे। ये सेटिंग्स मैं एक टेक्नीशियन से भी करवा सकता था चेंज, मगर मैंने जानबूझ के फैसला किया कि मैं खुद इसको चेंज करूँगा टू डिमॉन्स्ट्रेट कि ये कितना आसान है। एंड आई होप आई डोंट रिग्रेट माय डिसीजन और नथिंग बैड हैपेंस। तो आई एम गोना डिमॉन्स्ट्रेट नाउ कि अब हम इस सिस्टम को कैसे बताएंगे कि अब आपने बिजली बेचनी है। सो लेट्स गो क्लोजर। अभी टच स्क्रीन है, मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो इस वक्त ये वाला इन्वर्टर 1.3 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है और ये वाला भी 1.3। ये दोनों मास्टर एंड स्लेव में चल रहे हैं। तो 10 किलोवाट सिस्टम के लिए 2.5 किलोवाट प्रोड्यूस करना इस वक्त 12 बजे पीक आवर में इस बेसिकली लाइक पीनट्स। तो अभी बहुत ज़्यादा बिजली हमारी ज़ाया हो रही है। तो नाउ वी आर गोना स्टार्ट सेलिंग दिस टू वापटा। तो हम ये सेटिंग्स का बटन है इस पर दब जाएंगे और सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। अभी लिखा हुआ है 0 एक्सपोर्ट टू लोड, ठीक है जी। तो अब हम सेलिंग फर्स्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो है खुद भी यूज़ करें। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ सोलर सेल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जा रहा है माइनस में जा रहा है। अब हमारा ग्रिड वापस बिक रहा है। आप देख सकते हैं कि एनिमेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। और अब पहले 1.3 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा था, अब 3 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा है ऑलमोस्ट। और जो एक्स्ट्रा बिजली है वो वापस जा रही है माइनस में। और क्योंकि ये मास्टर एंड स्लेव में चल रहे हैं तो ये भी अब बेचना शुरू कर दिया है इस वाले ने भी। तो अब फाइनली हम इस 10 किलोवाट के सिस्टम को फुली यूटिलाइज कर सकेंगे और हमारा सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम से हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। और इसके अलावा मैंने अपने पार्ट 3 में भी मेंशन किया था कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इवॉल्व कर रही है, स्पेशली विद इन्वर्टर्स। तो जब मैंने ये लगाया था उस वक्त तक इस तरह का 10 किलोवाट में इन्वर्टर नहीं आया हुआ था। तो इसलिए मुझे 10 किलोवाट बनाने के लिए 2 5 किलोवाट्स के इन्वर्टर्स को पैरेलल में लगाना था। तो अब 10 किलोवाट के भी इन्वर्टर आ गए हैं हाइब्रिड सिस्टम में। और क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है और कुछ लोग बड़ा, मुझे एक कमेंट कभी नहीं भूलता, वो मेरी वीडियो में आया था कि देर इज़ नो लोड शेडिंग इन पाकिस्तान। पता नहीं आप कौन से पाकिस्तान में रहते हैं, मगर जिस पाकिस्तान में मैं रहता हूँ उधर हर दो दिन पे या हर रोज़ कुछ ना कुछ लोड शेडिंग होती है, घंटा दो घंटा और कभी कभी 6 6 7 7 घंटे भी लोड शेडिंग होती है। तो अगर आप ऐसे पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ लोड शेडिंग होती है तो डेफिनेटली हाइब्रिड सिस्टम इज़ द मोस्ट आइडियल सिस्टम फॉर यू। क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर लोड, इट इज़ लोड डिपेंडेंट, मतलब जितना लोड आप डालेंगे वो उतनी बिजली प्रोड्यूस करेगा। अगर आप ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे तो बिजली आप ज़ाया कर रहे हैं बेसिकली। और हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि अगर आप यूज़ नहीं करें तो आप बेसिकली रिवर्स में दे रहे हैं, बेच रहे हैं, जिससे आपके बिल में और भी ज़्यादा कमी आती है। तो इंशाल्लाह 6 महीने बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा एक्सप्लेनिंग कि ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम में मेरी बिजली के बिलों में कितना फ़र्क आया। तो डू चेक दैट वीडियो आउट और मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब फॉर दैट वीडियो एज़ वेल। तो हम देखेंगे जो हम बिजली बेच रहे हैं क्या वो रिकॉर्ड भी हो रही है मीटर में या नहीं। तो 29 का मतलब है कि हम कितनी बिजली खरीद रहे हैं वापडा से, वो अभी 0 है। सारा अभी हमारा घर सोलर से चल रहा है। और 30 का मतलब है कि हम कितनी बिजली बेच रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त हम 2.1 किलोवाट वापडा को वापस बेच रहे हैं, जो ये वो बिजली है जो हमारे घर में रोज़ाना 1 साल से ज़ाया हो रही थी। और फाइनली ग्रीन मीटर लगने के बाद हम ये वापडा को वापस बेच रहे हैं। अब ये तो हो गई नेप्रा की रिक्वायरमेंट्स, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं ये एक अलग स्टोरी है। ज़मीनी हकाइक डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने इस चैनल का मकसद बताना चाह रहा हूँ कि मैंने चैनल क्यों बनाया था, क्योंकि बहुत सारे शायद नए लोग आएंगे, उनको मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। मेरे इस चैनल और वीडियोस का मकसद ना तो पाकिस्तान को प्रमोट करना है और ना ही ये मेरा मकसद है कि मैं आपको पाकिस्तान से दूर करूँ। मेरा मकसद है कि मैं आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ से आगाह करूं, वो रियलिटीज़ जो मैं पाकिस्तान में ऑन अ डे टू डे बेसिस फेस कर रहा हूं और मैं सीख रहा हूं, वही मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। अब ये बात क्लियर करने के बाद डिस्कस करते हैं कि अगर आपको घर पे एक्चुअली नेट मीटरिंग लगानी है तो आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी तक जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो आप एक तरफ करें
और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यहाँ पे इसको डिस्कोस भी कहते हैं, उनकी बदमाशी और करप्शन वो दूसरी तरफ, इन दोनों का आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब डिस्कोस क्या है, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे चलता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपको सही तरह से समझ आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कोस पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पेपको के अंडर आती हैं। इन कंपनीज़ का काम है अपने असाइंड इलाकों में बिजली फराहम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आईएसको है इस्लामाबाद के लिए, पेस्को है पिशावर के लिए, लेस्को है लाहौर के लिए और के इलेक्ट्रिक है कराची के लिए। के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, बाकी सारे इदारे गवर्नमेंट के हैं। ये डिस्कोज पेपको, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको आप वापडा के नाम से भी जानते हैं, और प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जिनको आप IPPs के नाम से भी जानते होंगे, उनसे बिजली खरीद कर अपने रिस्पेक्टिव एरिया कस्टमर्स को बेच देते हैं। नेप्रा का काम है इन सब को रेगुलेट करना। अब पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मुझे दो बड़े मसले नज़र आ रहे हैं। पहला है मोनोपोलीज़। अब इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लेते हैं। इस्लामाबाद में अगर आपको बिजली चाहिए तो आपके पास एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ऑप्शन है और वो है आईएसको। और अगर आपको बिजली चाहिए अपने घर में तो आप सिर्फ़ और सिर्फ आईएसको के रहमो करम पर हैं। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इंटरनेट यूटिलिटी चाहिए है और मसलन PTCL आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रहा, तो आपके पास ढेरों और ऑप्शंस हैं जिनसे आप इंटरनेट ले सकते हैं। इस कंपटीशन की वजह से ये होता है कि कंज्यूमर विंस, यानी आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है और एक कंपटीशन जब बढ़ता है तो आपको अच्छे रेट्स भी मिलते हैं और आपको सर्विस भी अच्छी मिलती है। बिजली के मामले में ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ISCO की मोनोपोली है इस्लामाबाद में और हर शहर में एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की मोनोपोली है। तो अगर उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो आपको सर्व करें, आपको अच्छी सर्विस दें। अब क्योंकि सारे लोकल डिस्कोस मोनोपोलाइज्ड हैं, अगर आपने नेट मीटरिंग लगानी है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है आपका लोकल डिस्को, और आपके लोकल जो ऑफिसर्स हैं उनकी निगाह करम आप पे अगर पड़ जाती है तो फिर आपको नेट मीटरिंग आपको मिल जाएगी, वरना आप जलील ख्वार हो सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बड़ा मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक के अलावा बाकी सारे डिस्कोस गवर्नमेंट के इदारे हैं, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे बहुत मशहूर हैं अपनी सर्विसेज या लैक देयर ऑफ देने में। तो ये दो बहुत बड़े रुकावटें हैं, दो बड़ी रुकावटें हैं मेरे ओपिनियन में नेट मीटरिंग पाकिस्तान में लगाने के लिए। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको एक्चुअली पाकिस्तान में नेट मीटरिंग लगानी है तो आपके पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इस चार्ट के मुताबिक जो है अपनी एप्लीकेशन को दायर करेंगे, और इसमें आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। और जब आप ये एप्लीकेशन डालेंगे तो ISCO के या लोकल डिस्को के आपके ऑफिसर्स आपके घर पे आएंगे, आपकी इंस्पेक्शन कराएंगे और आपसे कुछ ख़र्चा पानी मांगेंगे। आप अपने असूलों पर डट जाएंगे और आप ख़र्चा पानी देने से मना कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन मोस्ट लाइकली रिजेक्ट हो जाएगी। अब क्योंकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, आप किसी और कंपनी के पास तो जा नहीं सकते नेट मीटिंग करवाने के लिए, तो आपके पास सिर्फ ये वन एंड ओनली ऑप्शन था। तो आपकी जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आप जाएं फिर कोर्ट्स में जाएं, सिटीज़न पोर्टल में जाएं, कंप्लेन करें, फिर आप जाने और आपका टाइम जाने। अगेन मैं यहाँ पे रिश्वत को जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जब गैस के कनेक्शन के लिए मुझसे ख़र्चा पानी मांगा गया था, मैंने मना किया था। तो वो दिन है और आज का दिन है, हम 4 साल से गैस के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मीटर का इंतज़ार कर रहे हैं अपने कनेक्शन का, और जो चंद हज़ार रुपये हमसे मांगे गए थे उसके बजाय हमने अपने घर में लाखों का ख़र्चा करा दिया है टू लिव विदाउट गैस इन पाकिस्तान। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो यू कैन वॉच दैट। पाकिस्तान में नेट मीटिंग लगाने का दूसरा तरीका ये है कि आप एक बहुत ही वेल कनेक्टेड आदमी हों, फेमस हों, या आपके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हों हुकूमती इदारों में, तो आप अपने रेफरेंस के थ्रू फ़ोन करें तो आपका काम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने सोलर कंपनी के बिहाफ पे जो खर्चा पानी आपसे मांगा जाता है वो आप चुपचाप करके दे दें। कुछ सोलर कंपनी शायद आपको बताएंगी भी नहीं कि ये खर्चा पानी अंदर दिया जाता है,
कुछ आपको शायद बता देंगी। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन और रिसर्च है, के इलेक्ट्रिक में ये मसले नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट अदारा है, बहुत प्रोफेशनली यहाँ पे सब डीलिंग होती है। हाउएवर बाकी जो डिस्कोज हैं वहाँ पे खुलेआम करप्शन है, स्पेशली लेस्को और आईएसको, लाहौर और इस्लामाबाद के जो डिस्कोज हैं वहाँ पे खुलम खुला करप्शन है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप किसी भी सोलर कंपनी से पूछ सकते हैं कि खर्चा पानी का क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। अगेन, ये सारी बातें आपको सोलर कंपनीज ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताएंगी, क्योंकि उनको बिज़नेस चलाना है, उन्होंने रिलेशंस रखने हैं इन लोकल डिस्कोस के साथ। मगर ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और मैं लोगों से कहूँगा अगर उनके साथ भी ये हुआ है तो ज़रूर कॉमेंट्स में बताएँ, ताकि हम इस बुराई को डिस्कस करें, और ताकि अगर ये पब्लिक में आएगी बुराई तो शायद हमारे हुकूमती इदारे जो हैं, एंटी करप्शन के जो हमारे इदारे हैं, वो इस करप्शन पर भी थोड़ा अपना नज़र करम डालेंगे। नेट मीटरिंग लगाने के लिए आपको कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी, ये आपके इलाके पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने इलाके में वन ऑफ़ द फर्स्ट एप्लीकेंट्स हैं तो ज़ाहिरन आपको थोड़ी ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ेगी, और अगर आप जिस तरह बैरिया टाउन DHA में रहते हैं तो नस्बतन जो है इनके रिश्वत के रेट्स बहुत ज़्यादा कम हैं। तो अगेन, ये जो रिश्वत के रेट हैं डिपेंड करता है कि आपका जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी भूख है, उनको कितना पैसे चाहिए, तो इसकी कोई डिफाइंड रेट्स नहीं है। तो ये थी पाकिस्तान में नेट मीटरिंग लगाने की ग्राउंड रियलिटीज़ और 2022 के पाकिस्तान में करप्शन का अलमिया। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों हमारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के जो स्कोर्स हैं वो हर साल नीचे जा रहे हैं, और ये वो बातें हैं जो YouTube पे यूजली लोग नहीं डिस्कस करते, और फॉर गुड रीज़न। मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, घबराया था मैं कि मैं इतने बड़े माफिया के साथ क्यों मैं पंगा लूँ बिला वजह का। मगर अगेन, मेरा मकसद आपको मैंने बता दिया इस चैनल का क्या है, और मैंने कभी भी आपसे क्लेम नहीं किया कि मैं कोई परफेक्ट इंसान हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं आपसे वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैं ऑन अ डेली बेसिस पाकिस्तान में फ़ेस कर रहा हूँ, और आपको यहाँ का वे ऑफ लाइफ या यहाँ पे काम कैसे कराया जाता है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और मैं आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि हमारे कुछ हुकूमती इदारे नहीं चाहते कि आप सोलर लगाएं। ये बहुत बड़ा क्लेम है, और ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने इसको सोचा है, समझा है, डेटा को देखा है, पॉलिसीज़ को देखा है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। शायद आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो यू आर वेलकम टू शेयर दैट, मगर ये जितना मुझे समझ आई है तो मैं वो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में सोलर ज़रूरत से ज़्यादा महंगा रखा गया है, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं ताकि आम आवाम इसको आसानी से हासिल ना कर सके। मसलन AEDB की अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन लेना एक छोटी सोलर कंपनी के लिए आसान नहीं है। यहाँ पे भी जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, यहाँ पर भी रिश्वत ली जाती है इन मिलियंस ऑफ रुपीज़, और ये हर बंदे को अप्रूवल नहीं मिलता। और फिर होता ये है कि कुछ लोग इसको एज एन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, और फिर वो अपनी सर्विसेज आगे लैंड आउट करते हैं, और ये सारी कॉस्ट फिर एंड कंज्यूमर तक पास ऑन की जाती है। इसके अलावा आपको सोलर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फीसें भरनी पड़ेंगी, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी देनी पड़ेगी, आपको जो है ग्रीन मीटर की फ़ीस देनी पड़ेगी, और जो आपका पुराना मीटर है उसका जो आपके जो फ़ीस है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया होते हैं, जिससे बहुत सारे लोग डी इंसेंटिवाइज भी होते हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि नेट मीटरिंग का अप्रूवल लेना कितना मुश्किल है, स्पेशली अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे बाकी लोग नेट मीटरिंग नहीं लगा रहे, यू आर वन ऑफ द इनोवेटर्स, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और लास्टली, पॉलिसी वाइज अब सोलर पर 17% टैक्स लग गया है, ये भी सारी दुनिया के उलट सिस्टम चल रहा है। दुनिया भर में सोलर जो है टैक्स फ्री होता है, आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, पाकिस्तान में 17% टैक्स लग चुका है सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर। इससे ये हुआ है कि अब सोलर महंगा हो रहा है, सारी दुनिया में सोलर सस्ता हो रहा है, और माशाल्लाह से पाकिस्तान में सोलर महंगा हो रहा है। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और इस 17% टैक्स को डिफेंड करेंगे। उनके दो आर्गुमेंट होंगे। पहला आर्गुमेंट होगा कि हमारे सोलर इंपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, तो हमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म करना है। मेरे भाइयों, अगर बंदा सोलर नहीं लगाएगा तो वो क्या जनरेटर लगाएगा ना, और जनरेटर का ऑयल कहाँ से इंपोर्ट होगा? और ये वन टाइम कॉस्ट है, आप एक दफ़ा इंपोर्ट करते हैं, बार बार आपको इंपोर्ट नहीं करना होता। ऑयल आप
हर महीने हर हफ्ते आप यूज़ करेंगे, इतना यूज़ करते जाएंगे आप इसको इंपोर्ट करते जाएंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट इनका ये होगा कि सोलर अमीर लोग लगाते हैं। इस पे भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़रा सोलर का इम्पैक्ट देखें रूरल पाकिस्तान में। रूरल पाकिस्तान में जो ग्रिड की हमारी इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, लोड शेडिंग है, उस सबसे आज़ादी उनको सोलर ने दी है। जब आप सोलर पर टैक्स लगा के सोलर को महंगा करेंगे तो आप रूरल पाकिस्तान में सोलर अडॉप्शन को स्लो डाउन करेंगे, क्योंकि अमीर फिर शायद टैक्स दे के सोलर लगा दें, क्योंकि गरीब की कुव्वत ख़रीद कम होती है तो उसके लिए सोलर लगाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तो हमने डिस्कस कर ली एंटी सोलर पॉलिसीज़, अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा। पिछले पूरे साल में नेप्रा ने सिर्फ और सिर्फ 8,417 नेट मीटरिंग के लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसमें से आईएसको के सिर्फ और सिर्फ लगभग 2,000 लाइसेंसेस हैं। इसमें सिर्फ इस्लामाबाद काउंट नहीं होता बल्कि पिंडी, अटक और वाक एंड, ये सारे पूरा इलाका काफ़ी बड़ा इलाका है जो आईएसको कवर करता है, उस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ 2,000 लाइसेंसेस इशू हुए हैं। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक को लगभग 13,500 लाइसेंसेस इशू हुए हैं। इतना बड़ा शहर है कराची, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 13,500 इज़ मिनिस्क्यूल। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि नेट मीटरिंग का प्रोसेस कितना मुश्किल है और कितने लोग इससे इस्तेफादा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे रोड ब्लॉक्स हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि इसकी अडॉप्शन को जानबूझकर स्लो डाउन किया गया है। अगर हम डिस्कोस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट ऑल मेक सेंस, वो क्यों चाहेंगे कि हम सोलर लगाएं। पाकिस्तानी ग्रिड ऑलरेडी ऑफ पीक सीज़न में अंडर यूटिलाइज्ड है और उनकी नज़र में सोलर से ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एग्जैजरेट होती है। इसके अलावा जब आप सोलर लगाएंगे तो आप उनसे कम बिजली खरीदेंगे, तो ऑफकोर्स वो चाहेंगे कि आप सोलर ना लगाएं। ये बातें सिर्फ मैं नहीं कर रहा बल्कि नेप्रा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री एनुअल रिपोर्ट 2021 में यही मेंशन किया गया है कि डिस्कोस को सोलर से थ्रेट फील हो रही है और ये एक प्रॉब्लम है। ये वीडियो मैं इसी नोट पर ख़त्म करूंगा और अफसोस का इजहार करूंगा कि हमारे पॉलिसी मेकर्स शॉर्ट टर्म गेंस और आउटलुक की बेसिस पर पॉलिसीज़ बनाते हैं और पाकिस्तान हमेशा पीछे रह जाता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि सोलर जनरेटर्स का अल्टरनेटिव है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, हमारी ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेगा, सोलर हमारी रूरल पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करेगा, हमारे लोड शेडिंग के इश्यूज़ को ख़त्म करेगा और हमारी जो गैस की जो डिप्लीशन हो रही है उसका भी सलूशन मेरी नज़र में सोलर है। हमारे लोड शेडिंग के मसले, हमारी गैस की शॉर्टेजेस, हमारे रूरल पाकिस्तान में जो ग्रिड डिस्पैरिटी है, ये सब हमारे पॉलिसी मेकर्स की गलतियाँ हैं। सोलर आपकी सदियों की नेग्लिजेंस का एक सलूशन है, खुदारा इसके खिलाफ एक महाज ना खड़ा करें और इसको वाइडली अडॉप्ट करें और बाकी सारी दुनिया के साथ चलें, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ना चलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एनुअल रिपोर्ट 2021 की एग्जीक्यूटिव